आज मैं आपसे बात करूंगा मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने की। मैं डॉक्टर दीपक केकर, सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूं। हमारे बैंक की ओर से हम हमारे जो बोरोवर्स हैं उनको हम शिक्षित करते हैं, उनको बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग कोर्सेज लेते हैं, वहाँ उनको विजन मिशन स्टेटमेंट तैयार करने लगाते हैं। उसमें से ही मैं आपको अभी मिशन स्टेटमेंट के बारे में बोलने वाला हूँ कि वो कैसे तैयार किया जाता है। तो आप कुछ मैं प्रश्न देता हूँ, प्रश्नों का जवाब आप लिखेंगे तो आपका भी मिशन स्टेटमेंट तैयार हो सकता है। एक सवाल है कि विच इज द टारगेट मास टू हुम यू विल एड्रेस। आपका टारगेट मास कौन सा है, आपका लक्ष्य किस जनसमूह को एड्रेस करने का है, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन से जनसमूह के लिए आपने बनाया हुआ है वो लिखो, या कौन से जनसमूह को आपको एड्रेस करने का है वो लिखो। टारगेट मास कौन सा है आपका। नंबर दो, कौन से ज्योग्राफिक एरिया में, किस भौगोलिक विस्तार तक आप अपना बिजनेस प्रसारित करना चाहते हो, कौन से भौगोलिक विस्तार तक आप अपना बिजनेस प्रसारित करना चाहते हो, लाइक ओवर विच ज्योग्राफिक एरियाज यू विल स्प्रेड योर सेल्स। फिर तीसरे सवाल का जवाब आप दो कि व्हाट वैल्यू डू यू प्लान टू डिलीवर, कौन सा मूल्य विस्तारित करके ग्राहकों को, कौन सी जरूरतों को आप तुष्टिकरण करना चाहोगे, मतलब ग्राहकों की कौन सी जरूरतें आप पूरी करना चाहोगे, कौन सा मूल्य वितरित करके आप ग्राहकों की कौन सी सेवा देना चाहोगे, उनको कौन सी तुष्टि करना चाहोगे, वो आपको देखना है। फिर नेक्स्ट सवाल है हाउ द वैल्यू वुड बी डिलीवर्ड, आप ग्राहकों को द्वारा इच्छित मूल्य को कैसे दोगे, मतलब आप ग्राहकों को इच्छित मूल्य कैसे देंगे, वो किस तरह से देंगे जो ग्राहक है आपको उनको। व्हाट इज द टारगेटेड अचीवमेंट ओवर द पीरियड, आपका टारगेटेड अचीवमेंट कैसा हो ओवर द पीरियड, किस निश्चित समय की अवधि तक आप किस ध्येय की प्राप्ति करना चाहते हो, मतलब आपको समय कितना लगेगा वो ध्येय की प्राप्ति करने के लिए कि 2025 तक हम ये करेंगे, 2030 तक हम ये करेंगे। व्हाट वुड बी योर प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे वुड फुलफिल, आपका वितरण योग्य प्रोडक्ट या सेवा क्या होगी, कौन सा प्रोडक्ट आप देना चाहोगे, कौन सी सर्विस आप देना चाहोगे, किस गुणवत्ता के स्टैंडर्ड को आपके प्रोडक्ट या सेवा पूरा करेंगे। तो सवालों के जवाब आप देंगे तो आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेंगे। विजन और मिशन स्टेटमेंट आपके लिए वो जरूरी है क्योंकि आपको वो डायरेक्शन देता है कि आपको जाना कहाँ है और जाना कैसे है। थैंक यू वेरी मच।